हेलो जी नमस्कार, मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी। एक चीज की दरख्वास्त बड़े सालों से आ रही है कि सर आपने बटर चिकन जो बनाया वो अंग्रेजी में बातें की है, उसमें आप हिंदी में क्यों नहीं सिखाते ताकि पूरा हिंदुस्तान बना सके आसानी से। अब ये बिल्कुल ओरिजिनल वाली रेसिपी है जिसे मैं समझता हूँ बहुत सरल तरीके से, बहुत मज़ेदार तरीके से बनाया जा सकता है और पूरा हिंदुस्तान उंगलियाँ चाट के खाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ चीज़ें तकनीकी है वो याद रखना आपने और बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, एक कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल ले लेता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, लगभग पकड़िए एक बड़ा चम्मच तेल। उसमें हम छोटी इलायची और जावित्री डालेंगे, ये 6-8 छोटी इलायची ले लें, तोड़ के इस तरह से डालेंगे ताकि फटे नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप आप याद रखें, तो ये इस तरह से खोल दें छोटी इलायची। जावित्री जो है बहुत ज़्यादा नहीं लेना, ऐसे छोटे वाले इनको ब्लेड्स कहते हैं हम, ऐसे तो आप ले लें। अगर ये जैसे मुझे पूरी अक्खी मिली, जावित्री जो है ना जायफल के ऊपर वाला हिस्सा होता है, तो जायफल के ऊपर जो होता है जब सूख जाता है ऊपर का छिलका निकलता है, फिर अंदर एक इस तरह का जायफल को कवर करके रखता है और वो हमने ले लिया है। अब जैसे ही हल्का सा ब्राउन होने लगता है तब ये लीजिए लहसुन चॉप, लगभग 6-8 कलियां ले लें लहसुन डाल के पकाएं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने टमाटर लेने हैं और कैसे भी काटें, थोड़े छोटे काटेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 6-8 टमाटर लगभग 1 किलो के आसपास टमाटर होंगे और वहाँ ध्यान रखना है मैंने ये लहसुन ये टमाटर डाल लेने हैं और यहीं पे इस तरह से काट के डाल लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि पानी नहीं डालना आपको, बहुत ज़रूरी है, पानी डालेंगे तो कलर जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, इसमें डालें नमक शबक और झूमते नाचते गाइएगा अपने स्वाद के हिसाब से, अपने सेहत के हिसाब से वो डाल लें। अब तब तक पकाएं जब तक टमाटर गल नहीं जाते, 6-8 मिनट का समय लगेगा। अब टमाटर जब अच्छे से गल जाए तो कलर ब्राइट हो जाता है और पकाना पड़ता है आपको ताकि जो मॉइस्चर है वो निकल जाए और जो पल्प है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाए, जिससे ब्राइटनेस टमाटर की बढ़ जाए। इसलिए पानी डालना नहीं है, बहुत जरूरी है ये। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून डालेंगे हम, ये डाला, और इससे कश्मीरी चिल्ली पाउडर है, ये बड़ा ध्यान रखिए, इससे जो ब्राइटनेस है वो और बढ़ जाएगा। और थोड़ी देर तक और पकाएंगे, लगभग 1 मिनट तक, उसके बाद पीस लेंगे। अब बिल्कुल तैयार है और मैं अपना इंडक्शन बंद कर लेता हूँ। आप भी घर पे मैनेज करिएगा गैस फ्लेम को, तेज़ धीमे बिल्कुल ध्यान से मैनेज करें और ये ठंडा करके पीस लें। पीसते वक्त आपने ध्यान रखना है कि बहुत गर्म हो तो ये जो नॉब वगैरह है निकाल देना है और एक कपड़ा ऊपर से ढक लें और फिर पीसें। थोड़ा थोड़ा खोल के तैयार भी रखें, मैंने पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से पीस लिया है। और अब बारी है नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप के लिए थोड़ा सा तेल ले लेते हैं, 1 बड़ा चम्मच बस, ज़्यादा नहीं। मेरे पास हरी मिर्चें हैं, 2 से 3 हरी मिर्चें ले लें और इनको इस तरह से लंबे लंबे लच्छे काट लें। ये 2 हरी मिर्चें ले ली, काफ़ी तेज़ वाली हैं, और ये मैं इसमें डाल लेता हूँ तेल में, और 1 इंच टुकड़ा अदरक का ले लें और उसके लच्छे काट लें और इसे धीमी आंच पे थोड़ा सा सौते करना है। अदरक थोड़ा तेज होता है, सौते करेंगे थोड़ा बेटर हो जाएगा खाने। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये जो हमने ग्रेवी पीसी है ये देखिए सुपर, क्या बात है, इसे छान लेते हैं और फिर से पानी बिल्कुल नहीं डालना आपने, कलर देखिए आप,
इसमें जो टमाटर के छिलके और इलायची के जो छिलके हैं वो बस रेसिड्यू रह जाना चाहिए। ये क्या बात है, और वाह क्या बात है, बढ़िया। अब इसे धीमी आंच पर पकाएंगे और इसके साथ साथ एक काम करना जरूरी है। जितना हमने टमाटर लिया है उसके हिसाब से लगभग 3 बड़े चम्मच बटर के आपने डालने हैं, तो ये मैं डाल लेता हूं और इसे अब धीमी आंच पर पकाना है। बटर डालने के बाद 6 से 8 मिनट पकाना है। आपने ठक के पकाइएगा क्योंकि छींटे बहुत उड़ती हैं, फिर किचन को साफ आपने करना है। अब जब तक ये ठीक से पकता है तब तक ये जो तंदूरी चिकन है इसे मैं काट लेता हूँ। ऑन बोन में मज़ा बहुत आता है, इसलिए ऑन बोन काट लेते हैं। तंदूरी चिकन कैसे बनाना है वो आप मेरे YouTube चैनल में जाके देख सकते हैं, और आपको कई प्रकार के ऑप्शंस मिलेंगे। आपके पास फ्राइंग पैन है तो फ्राइंग पैन में बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में बना सकते हैं, ओवन में बना सकते हैं, OTG में बना सकते हैं, सारे ऑप्शंस दे रखे मैंने। और ये लीजिए, ये जो मैं बना रहा हूँ ये मैक्सिमम 2 लोगों के लिए बहुत है। ऑनेस्टली मैं कहूँगा कि एक अगर मुस्तंडा होना सही वाला तो एक केले खा जाएगा वो। तो यहाँ पे ये ग्रेवी देखिए बढ़िया हो गई है, बढ़िया तरीके से पक गई है, और अब इसमें मैं फ्रेश क्रीम डालूंगा 1/2 कप। ये 1/2 कप फ्रेश क्रीम डाल लिया आपने, मिक्स कर लें। छींटे बड़ी उठती हैं लेकिन कोई बात नहीं जी। और फ्रेश क्रीम डालने के बाद वापस 1 मिनट तक पकाएंगे। कलर जो है ना थोड़ा सा वो शुरुआत में लाइट हो जाता है लेकिन जैसे ही पकेगा फिर से कलर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। अब बारी है ये चिकन डालने की, ये लीजिए चिकन डाल के वापस 2-3 मिनट तक पकाएंगे। चिकन डालने के बाद 2 मिनट पकाने के बाद फाइनली कसूरी मेथी, उसके बगैर बटर चिकन कंप्लीट नहीं होता। तो 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और 1 बड़ा चम्मच शहद का हनी वो डाल लेते हैं। सुपर, बहुत बढ़िया। अब ये सारी चीजें डालने के बाद थोड़ा पकाना है, 30 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। यस, बंद। मेरा इंडक्शन जो है फ्लेम बंद कर दिया मैंने, और सुपर। हनी इसलिए डालना होता है कि टमाटर की जो खटास है वो बैलेंस करने के लिए। हनी नहीं है तो शक्कर डाल लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो बैलेंस आपको समझ में आएगा जब आप टेस्ट करेंगे। पहले जब टेस्ट करेंगे ना ग्रेवी तो खट्टी लगेगी, इसलिए शक्कर डालेंगे तो वो खट्टा और मीठा का बैलेंस करेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये अब बिल्कुल तैयार है, बढ़िया। बटर चिकन की खास बात ये होती है इस ग्रेवी की, मैं आपको बताऊं, ये ग्रेवी इससे अगर तेल निकल गया, अलग हो गया, समझ जाइए कि ग्रेवी खराब हो गई। ये सारे प्रोफेशनल्स के लिए ये एक टिप है, तो तेल छूटना नहीं चाहिए। और परोसने के लिए मैंने एक बढ़िया सी प्लेट ले ली है और इसमें चिकन डालते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक और टिप जो बहुत ज़रूरी है बटर चिकन के लिए। ख़ास तौर से नॉर्थ में जाके जब आप परोसते हैं ना बटर चिकन तो बिल्कुल ध्यान रखना होता है। अब वो ये है कि, और जैसे मैंने बताया कि एक एक चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो तेल छूटना नहीं चाहिए ग्रेवी से, तेल छूट गया मतलब ग्रेवी ख़राब हो गई। दूसरी, ग्रेवी जहाँ पड़ी प्लेट में वो फैलनी नहीं चाहिए, थिकनेस वो चाहिए। और फाइनली परोसने के पहले थोड़ा सा और मैं कसूरी मेथी छिड़क दूंगा, फ्रेश क्रीम, ये भी थोड़े थोड़े दाने जो है डाल लेते हैं। पुदीना चॉप करके ना डालें, इस तरह से खड़ा पुदीना एक बढ़िया स्टिक डाल लें।
और ये लीजिए ओरिजिनल बटर चिकन बिल्कुल तैयार है। अब मजे लें घर पे रेस्टोरेंट जैसे, कहीं नहीं जाना आपने, बस रेसिपीज ध्यान से देखना, फॉलो करना है और बढ़िया खाना घर पे खिलाना है सभी परिवार को।